नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। महिला आरक्षण बिल को केंद्र सरकार ने नारी शक्ति बंधन के नाम से लोकसभा में पेश कर दिया है। इस बिल में महिलाओं को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान रखा है। यही नहीं, SC और ST कोटे से ही कुछ समाज की महिलाओं को भी 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। लेकिन संग्राम OBC वर्ग को लेकर छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, JDU के नीतीश और RJD के लालू यादव ने यह मांग उठा दी है। मायावती ने भी अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाया है। UPA सरकार के दौर में RJD, JDU, सपा बसपा ने महिला आरक्षण बिल का OBC के मुद्दे पर ही विरोध किया था, जिसके कारण बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया जा सका था। अब एक बार फिर इन चारों दल ने बिल के विरोध में आवाज उठाई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बिल में स्पष्ट होना चाहिए कि अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित समाज की महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है। आखिर लैंगिक न्याय के साथ ही सामाजिक न्याय का प्रश्न हल होना चाहिए। हालांकि पार्टी बिल को लेकर सावधानी ही बरत रही है, विरोध करने जैसी बात ही बच रही है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी अखिलेश जैसी बात करते हुए सबसे पहले कहा कि इस बिल में पिछड़ा और अल्पसंख्यक के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण 50% का होना चाहिए। हमारी पार्टी तो ये चाहती है कि देश की महिलाओं को लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण 33% देने की बजाय, यदि उनके आबादी को भी ध्यान में रखकर 50% आरक्षण दिया जाता है, तो इसका भी हमारी पार्टी पूरे तय दिल से स्वागत करेगी। सरकार इसके बारे में भी जरूर सोच विचार करे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा था कि महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है, तो उसमें से SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अर्थात इन्हें, यानी कि SC व ST को अब तक मिल रहे कोटे में शामिल ना किया जाए। JDU ने महिला आरक्षण के बिल को मोदी सरकार का चुनावी जुमला बताया है। JDU अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि हम तो देशव्यापी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। अगर आबादी के अनुपात में आरक्षण नहीं मिलता तो क्या फायदा होगा। आरक्षण पिछले समुदाय को बढ़ाने के लिए होता है, जैसे OBC और EBC की अच्छी आबादी है। हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो और उसके हिसाब से आरक्षण का नियम तैयार किया जाए। फिर इस वक्त महिला आरक्षण बिल क्यों आया है, यह चुनावी जुमला ही तो है। लालू यादव के RJD ने कहा कि हम तो पुरानी बात पर ही कायम हैं। RJD के मनोज झा ने कहा कि हमने तो पहले भी महिला आरक्षण पर चिंता जाहिर की थी। अगर बिल महिलाओं को लोकतंत्र में मजबूत करता है तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें सामाजिक न्याय की बात हो। इस बिल में स्पष्टता का अभाव है। हमारा विचार UPA के दौर में भी यही था कि सभी वर्गों की महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाए। आज भी हम अपनी बात पर कायम हैं। अगर सरकार की नीयत साफ है महिला आरक्षण बिल को लेकर के, हम उसमें थोड़ी और साफ गोई चाहते हैं। हमारा मानना है, हमारी पार्टी का, लालू जी के टाइम से, मुलायम सिंह जी ने कहा, शरद यादव जी ने कहा और कई BJP के भी लोग अंदर खाने भीतर से विचार रखते हैं कि अगर आपका आइडिया है कि प्रतिनिधित्व का विस्तार किया जाए, तो वो विस्तार तब तक संभव नहीं है जब तक इसके अंदर आप अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आप रास्ता नहीं खोलते हैं, कोटा विद इन कोटा नहीं करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर एक लंबी लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़नी पड़ेगी। क्या इस देश को इस तरह की चीजों में झोंकना चाहिए, या जब पहली बार ही बिल लाए तो इसको इतना चाक चौबत बिल लेकर के आए कि कहीं कोई कमी ना रहे, किसी वर्ग के अधिकार, उसके हकूक पर हमला ना हो।